सो हे वेलकम बैक टू द चैनल एवरीवन। दोस्तों आज के इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं एंड्रॉयड टीवी की स्टोरेज रिलेटेड। लेकिन एंड्रॉयड टीवीज में बहुत सारे लोगों को स्टोरेज का एरर मतलब प्रॉब्लम देखने को मिलता है। एंड लेकिन मेरे केस में आई एम यूजिंग एन एंड्रॉयड टीवी बॉक्स। आप जो भी यूज़ करते हो प्रॉपर एंड्रॉयड टीवी है उसमें बॉक्स वॉक्स लगा रखे जो भी लगा रखा है, ये वीडियो सबके लिए सुन तक जरूर देखना। हे नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है तनिष, आप देख रहे हैं डिजिटल तनिष चेक। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो यार मैं आपको बता दूं कि यार इसमें आपको तो मतलब SD कार्ड या पेनड्राइव यूज़ करके, बट एक मिनट, बहुत सारे लोग यार ये बोलते हैं हमने SD कार्ड पेनड्राइव सब लगा लिया, स्टिल यार हम कुछ भी जो डेटा डाउनलोड कर रहे हैं वो डायरेक्टली यार हमारे जो डिवाइस है उसका जो यहाँ पे मेमोरी होता है यार इनबिल्ट मेमोरी उसके अंदर जाके सेव हो रहा है। सो अब हम क्या कर सकते हैं? सो जी अगर आपका कुछ इस केस में हो रहा है तो आपको क्या करना है आपको बता देता हूँ। बट सबसे पहले यार आप सबसे पहले क्या करूँ, मैं आपको पहले दिखाता हूँ मैं अपना कौन सा SD कार्ड यूज़ कर रहा हूँ। इसका जो लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। ये कुछ मेरे को 500 to 600 रुपीज़ का पड़ा था। एंड दिस इज़ अ सैंडिस्क SD कार्ड, दिस इज़ ऑफ 32 GB एंड ये क्लास 10 का SD कार्ड है यार। क्लास 10 मतलब सुपर इंटू 100 वाली स्पीड आपको देखने को मिलेगी। एंड मैं भी आपको सजेस्ट करूँगा अगर आप एक SD कार्ड यूज़ करें तो आप क्लास 10 का A1 SD कार्ड ही यूज़ करो यार, एकदम अच्छी स्पीड आपको देखने को मिलती है। एंड लाइक आप ये SD कार्ड परचेस कर सकते हैं। एंड एक और चीज़ को बता दूँगा, अगर आप 8 GB इनबिल्ट स्टोरेज पर रिलाय करना चाह रहे तो इट्स योर चॉइस। बट अगर आपको स्टोरेज की ज़रूरत लग रही है तो आई विल रिकमेंड यू कि आप एक 32 GB का SD कार्ड तो कम से कम लगा ही लो। एंड 8 GB, 16 GB, 32 GB इन सब के जो बेस्ट बाय लिंक्स होंगे Amazon के मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। सो पहले हम इसको इसमें बॉक्स में लगा देते हैं। सर आपको ये SD कार्ड अब यहाँ पे अंदर लगा देने का है तो कैसे लगाने को बता देता हूँ। देखिए यार यहाँ पर ना एक डायग्राम ऑलरेडी बना हुआ रहता है, उसके हिसाब से उसको लगा सकते हैं। नहीं तो यार आप यहाँ पे जो साइड में जो शेप है उसको चेकआउट करके प्रॉपरली इंसर्ट करना। अगर आपको थोड़ा सा गलती किया तो फिर हो सकता है आपका SD कार्ड ख़राब हो जाए, जैसा मैं शायद अभी करने वाला था। एंड यस मैं गलती सो यस यार आपका SD कार्ड एक बार यहाँ पहुँच जाएगा। आपका SD कार्ड अभी लग चुका है बट आपको प्रॉपरली उसको अंदर पुश करना है एक बार, ठीक है? तो इसमें यहाँ पे इसको यस तो यार आपको भी आवाज़ आई गेस आई होगा, यहाँ पे SD कार्ड अंदर लग चुका है। तो अब मैं एक काम करता हूँ इसको ना पहले कनेक्ट कर लेता हूँ अपने TV के साथ में, देन आपको क्या क्या सेटिंग्स करने आपको आगे बता देता हूँ, ठीक है? दुबले का लोगों को क्या करना है अपने डिवाइस में सेटिंग्स को ओपन कर लेना। मैं यहाँ पे आ जाता हूँ यार सेटिंग्स में मैं आ गया हूँ। एंड बेसिकली आपको थोड़ा सा नीचे डिवाइस प्रेफरेंसेस में आना है एंड देन यहाँ से आपको आ जाना है स्टोरेज में। एंड स्टोरेज में यहाँ पे आपको जो अपने SD कार्ड लगा हुआ कुछ भी लोगों को मिल जाएगा। तो मेरा यहाँ पे 32 GB का दिख रहा है, मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। एंड सर इसमें यहाँ पे लिखा है इरेज एंड फॉर्मेट एज रिमूवेबल स्टोरेज, बट आपको यहाँ पे इरेज एंड फॉर्मेट एज PVR स्टोरेज ऐसे ही कुछ देखने को मिलेगा। सो वो ओके कर देना है। एंड देन यार यहाँ से आपको ना सीधे फॉर्मेट करना है, आपको ऐसा कुछ नहीं दिखेगा, सीधे फॉर्मेट कर दो आप। तो मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ, तो इससे क्या होगा आपका जो भी सारा डेटा होगा डायरेक्टली आपके SD कार्ड में जाएगा। जैसे आप देख सकते हो ऐप में 15 GB की रखी हुई है जबकि सिर्फ 4 GB का स्टोरेज अवेलेबल होता है टोटल। बट अब मेरा जो भी डेटा है वो मेरे SD कार्ड में जाता है। और देखो कि मेरे पास यार यहाँ पे क्लास 10 का SD कार्ड है तो वहाँ पे मेरे को कोई भी ऐसा दिक्कत भी नहीं होता है। लाइक जो हमारा होता है ना कि ऐप ऐप खोलने में लैग होगा ऐसा कोई दिक्कत नहीं होता, क्योंकि SD कार्ड मेरा बहुत फास्ट है, इसलिए मैंने कहा था कि आप कोई फास्ट SD कार्ड ही यूज़ करें। तो दोस्तों यार यही था अच्छा वीडियो, मुझे उम्मीद आपको समझ में आ गया होगी कैसे आप अपने एंड्रॉयड टीवी बॉक्स के अंदर बड़ी इजीली SD कार्ड लगा सकते हैं। उसके साथ में यार मैं आपको बता दूं ये ट्रिक आप SD कार्ड प्रिंटर सबसे यूज़ कर सकते हैं, कैसे आपको फिर फॉर्मेट कर लेना है। और जैसे आप उस ट्रिक को फॉर्मेट कर लेंगे तो उसके बाद में आपका जो भी फाइल्स होगा डेटा होगा वो डायरेक्टली यार आपके SD कार्ड में जाएगा, ना कि इसकी इनबिल्ट स्टोरेज में। आप ये मान सकते हो इसके इनबिल्ट स्टोरेज एंड जो SD कार्ड है दोनों एक ही हो जाएंगे। दोस्तों बस ये था अच्छी वीडियो, मुझे उम्मीद आपको अच्छा लगा होगा। कर देना वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना मत भूलना, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे इंटरेस्टिंग टेक वीडियोस लेके आते रहते हैं। अब मिलेंगे ऐसे किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग कमाल धमाल एपिसोड के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय।